अल्हर रहीम सो हमने शॉर्ट रिव्यू हेड एंड नेक स्टार्ट किया है ठीक है उसमें हम मैंने फ़र्स्ट वीडियो में पार्ट वन में एक्सटर्नल एयर इंट्रोडक्शन एक्सटर्नल एयर के पार्ट्स और एक और पिन्ना को स्टार्ट किया था आ, पार्ट वन की आ, जो बी पार्ट वन का जो बी पार्ट है उसमें हमने एक्सटर्नल एक और, एक्स्टिक मेटस को देख लिया था और अब ये पार्ट वन का जो है सी पार्ट है अब आप बोलेंगे इस पार्ट सी के इस तरह से क्योंकि हमने तो सिर्फ देखा था कि सिर्फ दो पार्ट होते हैं एक्सटर्नल एयर के ना एक औरकल पेड़ ना और दूसरा क्या है जो कैनाल है जिसे हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस ठीक है सो so, एक दूसरा भी पार्ट होता है टिम्पेनिक मेमरी जो कि एक्सटर्नल एयर का ही पार्ट है ठीक है सो सोलर् स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये पार्ट है देखें ये टिम्पेनिक मेमेरियन जो है ये क्या करती है ये एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से कनेक्ट करती है ठीक है सो so, ये एक एक्सटर्नल एयर का ही पार्ट है सो so, ये क्या है एक थिन ट्रांसलूशन पार्टीशन है बिटवीन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस एंड द एंड द मिडल एयर ये मैंने बता दिया ठीक है इट फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ मिडल एयर मतलब ये क्या फॉर्म करती? करती है एक लेटरल वॉल फॉर्म करती है जैसे कि ये डायग्राम मैंने आपको बताई थी ना कि ये टिम्पेनिक मेमरेन है ठीक है अब ये देखें एक्स्ट्रा ये यहाँ पे ए, ए, ये एक्सटर्नल एयर है ये मिडल एयर के बिटवीन है मतलब ये इन दोनों को कनेक्ट करती है और ये देखो देखें ये इसका लेटरल वॉल बनाती है किसका ये मिडिल एयर यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना तो इसका लेटरल वॉल कौन बनाता है ये टिम्पेनिक मेम्रेन ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसको ये मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम भी तो दे सकते हैं टिम्पेनिक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्यों दिया गया क्योंकि ये भी आगे बताऊंगी कि अभी से मैंने बताया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है अच्छा तो ये एक पार्ट है एक्सटर्नल Uh, एक मतलब uh, एक्सटर्नल लेयर का ठीक है अच्छा तो ये क्या है ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है एक थिन है और ये एक ट्रांसलूटर पार्टीशन है बिटवीन द एक्सटर्नल मिडल लेयर ठीक है, है और ये लेटरल वॉल फॉर्म कर रही है मिडल लेयर का ये आपने खुद देख लिया ठीक है अब हम देखते हैं कि ये ओवल इन शेप है आप खुद देख रहे हैं ये ये जो टम्पेरिंग मेम्ब्रेन है यह आप खुद देखें ये किस तरह से शेप आपको लग रहा है ओवल है ना बिल्कुल तो ओवल इन शेप है और ये नाइन टेन मिलीमीटर है नाइन टेन मिलीमीटर इनका मतलब ये है कि जैसे कि ये एक ओवल शेप है ना तो ये टेन है और ये नाइन है ठीक है इस तरह से अच्छा ये एक ना कान इंपॉर्टेंट नहीं है इट प्लेस ऑब्लिकली ऑब्लिकली प्लेस है आप देख रहे हैं हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ऑब्लिकली प्लेस होता है एट एट एन एंगल ऑफ फिफ्टी फाइव कौन सा एंगल बनाती है यहाँ पे फिफ्टी फाइव किसके साथ फ्लोर ऑफ मेटस ये केनाल है ना इस मेटस के लिए या केनाल के लिए इस के लिए केनाल के साथ ये फिफ्टी फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस का एंगल बनाती है आपको एंगल पता होना चाहिए ठीक है इट फेस डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेटरली ये खुद देखें ये क्या कर रहा है ये डाउनवर्ड है बिल्कुल डाउनवर्ड ऑब्लिकली है ना और फॉरवर्ड जा रही है और टरली है सो अच्छा इट द मेम्ब्रेन हैज़ आउटर इनर सरफेस इस मेम्ब्रेन की क्या है आउटर सरफेस भी है इनर सरफेस भी है आउटर सरफेस जो कि मेटस को फेस कर रहा है ये इसकी आउटर सरफेस है और इनर कौन सा है जो अंदर मिडल एयर को फेस कर रहा है ठीक है द आउटर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ लाइन बाय थिन स्किन अब ये कह रहे हैं जो आउटर सर्फेस होती है वो थिन स्किन से लाइन होती है खुद सोचे मेटस किससे लाइन थी थिन स्किन से ही लाइन थी ना तो आउटर सर्फेस जो मेटस की तरफ है तो स्किन से ही लाइन होगा जाहिर सी बात है ठीक है और ये क्या होती है कॉनकेव होती है कॉन्केव क्यों, क्यों कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये ये मेम्ब्रेन इस तरह से होती है इस तरह से देख रहे मेरा हाथ तो ये जो अब मेरा हाथ देखे इस साइड से आउटर सरफेस देखे कॉनकेव है ना बिल्कुल यहाँ से कॉनकेव होती है और पीछे से देखे कॉन्वेक्स है ठीक है और ये मैक्सिमम ये जो आपको दिख रही है कॉन्वेक्सिटी बीच में इसे कहते हैं अम्बो एक्चुअली मेरे एक हाथ में मोबाइल है और ना मैं आपको दिखा दूँ देखिए ये जो मैंने कहा कि इस तरह से होती है कैनाल अब देखिए आउटर सरफेस से ये कॉन्केव है इधर देखिए कॉन्वेक्स है इनर सरफेस से और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना कॉन्वेक्सा इसे इसे कहते हैं अम्बो ये भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है सो ये कॉन्केव होती है आउटर सरफेस इनर सरफेस क्या होती है प्रोवाइड करती है अटैचमेंट और हैंडल ऑफ मेलियस, मेलियस ये आपको पता होना चाहिए कि जो इनर सर्फेस होती है ना ये हैंडल ऑफ़ मेलियस को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है ठीक है विच एक्सटेंड अप टू द सेंटर ठीक है और ये फिर सेंटर तक मतलब टिम्पेनिक मेमब्रेन के सेंटर तक ये एक्सटेंड करती है ये मेलियस इनर सर्फेस कॉन्वेक्स अभी आपने खुद देख लिया कि ये इस तरह से थी तो इनर सर्फेस ये इस साइड है ना तो इनर सर्फेस खुद देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स है ठीक है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी बता दिया टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मेलियस ठीक है जहाँ पे क्या करता है जो मेलियस मैंने जैसे बताया कि इनर सर्फेस प्रोवाइड करती है अटैचमेंट किस हैंडल ऑफ मेलियस को ठीक है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है ना टिम्पेनिक मेमब्रेन की वो उसकी टिप पे करती है किसके हैंडल ऑफ मेलियस पे और उसको कहते हैं अम्बो बता दिया ये अम्बो है और यहाँ पे टिप होता है मेलियस का अच्छा इसका क्या है फ़ायदा कि जैसे अगर मैं यहाँ दिखा सकूँगी आप दिख रहे हैं ये टिम्पेनिक मेम्रेन है ये देखिए मेलियस बोन है ठीक है ये देखिए मेलियस इस तरह से आ रही है और ये जो अम्बो है ना ये देखिए इसकी टिप पे लग रही है अब ये इसका क्या फ़ायदा है इस मेलियस का इसके साथ क्योंकि जब भी साउंड में आती है तो टिम्पेनिक मेब्रेन से टकराती है अब ये यह यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है अब वाइब्रेशन जब पैदा होती है तो अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि इसके साथ अटैच हो इसके साथ कनेक्ट हो जो कि उस वाइब्रेशन उस साउंड वेव को अंदर जो है लेके जा सके ठीक है तो ये मेलियस जो हैंडल ऑफ मेलियस जो इससे होता है अटैच होता है टिम्पेनिक मेम्रेन से तो फिर जब क्या होती है जब वाइब्रेशन टिम्पेनिक मेम्रेन में आती है बाहर से ठीक है कैनाल के थ्रू कौनका से सो फिर वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफर हो जाती है इस मेलियस में तो ये मेलियस आगे इनकस को देता है फिर स्टेप्स को देता है और इस तरह से वो इन्हें में फिर चली जाती है तो इस तरह से साउंड वेव जो है प्रोसीड होती है अंदर की तरफ ठीक है सर मैंने बता दिया था मेम्रेन इधर थे थीक होती है अच्छा कि मेम्ब्रेन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन है ठीक है अब ये बाहर से क्या होती है बाहर से बहुत थिक होती है ठीक है और अंदर से ये बाहर से बहुत थिक होती है सरकम फेरन जैसे मैंने बताया आ, आ, बताया विच इज फिक्स टू टिम्पेनिक सर्कस ऑफ टिम्पोरल बोन अब टिम्पोरल बोन में एक पार्ट होता है टिम्पेनिक प्लेट ठीक है तो उस टिम्पेनिक प्लेट में एक टिम्पेनिक सल्कस होता है ठीक है टिम्पे टेम्पोरल बोन ये कह रहे हैं कि अब ये जो सरकम फेरर से जो थिक हुआ हुआ ये कहाँ पे फिक्स होता है टिम्पेनिक सल्कस में और टिम्पेनिक सल्कस कहाँ पे होता है टेम्पोरल बोन और टिम्पेनिक प्लेट मतलब टिम्पोरल बोन में जो टिम्पेनिक प्लेट है ना उसमें एक सल्कस होता है ये थिकेस्ट पार्ट ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये वहाँ पर जाके फिट हो जाती है इस तरह से ठीक है लेकिन ये सल्कस जो है ना सुपीरियरली डेफिशेंट होता है मतलब जो टिम्पेनिक सल्कस है वो सुपीरियरली डेफिशेंट होता है ठीक है तो फिर क्या होता है है द इज अटैच वहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन अटैच हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं टिम्पेनिक नोच कहते हैं मतलब ये सल्कस तो है टिम्पेनिक प्लेट और टेम्पोरल बोन एक सल्कस है लेकिन ये ऊपर से डेफिशिएंट है तो यहाँ पे टिम्पेनिक नोच आ जाती है ठीक है यहाँ पे टिम्पेनिक नोच आ जाती है जो कि इसको कवर कर लेती है सुपीरियरली ठीक है देखिए मैं बता रही हूँ कि ये बाहर से थेक होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ये टिम्पोर टिम्पेनिक प्लेट ऑफ टिम्पोर बोन में एक टिम्पेनिक सल्कस होता है ठीक है ये स्टिम्पेनिक सल्कस होता है लेकिन ये सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है ये इसमें जाके लाए करती है लेकिन ये टिम्पेनिक सल्कस ऊपर से डेफिशिएंट होता है तो ये जो ऊपर से डेफिशिएंट होता है यहाँ पर टिम्पेनिक नोच आ जाती है ठीक है और उसको कवर कर लेती है इस टिम्पेनिक सल्कस को अच्छा तो यही यहाँ पर बताया गया है कि टिम्पेनिक नोच आ जाती है ठीक है हे द एंड ऑफ द नोज टू बैंड्स एंड इंटीरियर पोस्टीरियर मेल्यूर फ्लोर अब इस नोज से क्या होते हैं दो बैंड्स आते हैं एक सुपीरियर मेल्योर फोल्ड होता है एक दूसरा क्या होता है गया एक सुपर uh, दो बैंड आते हैं ठीक है द टू बैंड द इंटीयर पोस्टीरियर एक इंटीरियर होता है और दूसरा क्या होता है पोस्टीरियर होता है इंटीरियर मेलोर फोल्ड पोस्टीरियर मेलुलर फोल्ड ठीक है दो फोल्ड आते हैं और उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग ठीक है आर प्रोलोंग टू तो द लेटरल प्रोसेस ऑफ मेले प्रोलोंग करते हैं लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलेस तक वाई द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ टिम्पेरिक मेम्ब्रेन इज टाइटली ता, स्ट्रेच देयर कॉल्ड पास टेंसा द पार्ट बिटवीन टू मैल फ्लोर लूज होता है पार्स फ्लैसेडा होता है पार्ट फ्लर क्रोज इंटरली बाई कोडर टिम्पैनी अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये जो टू मेलोर फोर्ड है इंटियर मेलोर फोर्ड जो टिम्पेनिक नर्व से दो दो बैंड आए एक इंटीरियर एक पोस्टियर मेलोर फोर्ड तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया इसे कहते हैं पार्ट फ्लैसेडा और ये वाला जो होता है इसे कहते हैं पार्ट टेंसा और जो पार्ट टेंसा है ना ये बहुत थिक होता है और ये प्लास फ्लेजा जो है ये सॉफ्ट होता है ठीक है अच्छा ये यहाँ पर पार्स फ्लेजा में क्या होती है ये फेशियल नर्व है और यहाँ से क्या होती है कॉडर टिम्पैनी नर्व इससे यूँ क्रॉस करती है इसको ठीक है सो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्रॉस करती है इंटरनली क्रॉस क्रॉस करती है किसको पास फ्लैसेडा को सो अगर मैं यहाँ पे मुझे डायग्राम मिले जो कि मैं आपको दिखा सकूँ ये देखें ये इनर सरफेस हम देख रहे हैं ठीक है ये हम देखें कि दो फोल्ड आ रहे हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर पोस्टीर फोल्ड देखें ये पास पास फ्लैसेडा है ये पास टेंसा है देखिए पास टेंसा ये देखें हैंडल ऑफ मेलियस इस तरह से होता है अच्छा ये देखिए फेशियल कोर टिपेड अब जो है इस तरह से इंटरनली पास करती है ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया यही बताने की कोशिश कर रही थी अच्छा उसके बाद हम चलते हैं कि क्या क्या बच गया है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मैं जिस तरह समझा रही हूँ ना ये जस्ट रिवीजन है फिर मैं इतना कुछ बता रही हूँ उसमें दिस पार्ट इज मोर लेबियल टू रब्चर अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि जो पार्स uh, फ्लैसिडा होता है ना ये बहुत ज़्यादा मोर लेबियल होता है कि ये रबचर मतलब इसके फटने के वो हम कहते हैं ना कि कान का पर्दा फट गया यही टिम्पेनिक मेमरे कान का पर्दा इसको दूसरा नाम है इसका नाम है एयर ड्रम इसको एयर ड्रम भी कहते हैं ठीक है एयर ड्रम या कान का पर्दा तो हम कहते हैं ना खान का पर्दा फट गया तो वो यही जगह है पार्स फ्लैसिडा जो है ना यही बहुत सॉफ्ट होती है ये यही फट जाती है यही मोल लेबल होती है रबचर के ठीक है किससे पास टेंसर से पास टेंसर के फटने के चांसेस नहीं होते इसके फटने के चांसेस हो जाए जिसको हम कहते हैं कि कान का पर्दा फट गया तो वो पास फ्लैसेडा होता है ठीक है सो आप लोग अब डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप कोई बोले ना कि कान का पर्दा बोलेंगे कान का पर्दा मीन टेम्पेनिक या एयर ड्रम टिम्पेनिंग एय में पांच फ्लेसिटा आपका आपकी रैप्चर हो गई है ठीक है द मेमबरेन टेंस बाट पोल्टो इनवर्ट पोलो तो, टेंसर पोल टिम्पेनिंग मसल अब क्या होती है देखें ये आपकी मेम्ब्रेन है ठीक है और यहाँ पे मैंने वो कहा हैंडल ऑफ़ मेलियस होता है ठीक है ये हैंडल ऑफ मेलियस है अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन एक वो भी होती है मसल भी होती है इंटेंसर टेंसर मसल ठीक है टेंसर टिम्पैनी मसल होती है जो कि क्या करती है इन्वर्ट पुल करती है ठीक है मेम्ब्रेन इज़ हेल्थ टेंस मतलब इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है ना ये टेंस होती है और अपनी जगह पर कायम रहती है ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं यहाँ पर इस तरह से मसल्स होते हैं ठीक है ये ये क्या है टेंजर टिम्पेनी मसल है जो कि इंसर्टेड इनटू अपर एंड ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस ये अपर एंड जो है ना हैंडल ऑफ मेलियस का यहाँ पे ये हेल होती है ये मसल ये क्या है ये है क्या टेंजर टिम्पेनी मसल ये टेंजर टिम्पेनी मसल है ये अपर एंड ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस पे होते हैं और ये क्या करते हैं इन्वर्ट पुल करते हैं किसको इस मेम्ब्रेन को ताकि ये जो है अपनी जगह पर फिक्स रह सके तो ये एक मसल का नाम याद रखना है अच्छा अब इसके स्ट्रक्चर देखें टिम्पेनिक मेम्रेन कंपोज़ ऑफ थ्री लेयर्स आउटर क्यूटिकल लेयर होती है दायर से पैदा स्किन से ही होगी ठीक है क्यूटिकुलर तो स्किन से ही होगी और आउटर में बताया कि मेटस होता है वो भी स्किन से होता है तो आउटर इसकी लेयर भी न से ही होगी मिडल फिबरस लेयर अप ऑफ सुपीरियर रेडिएटिंग फाइबर एंड डीप सर्कुलर फाइबर अच्छा जो मिडल होती, होती है वो फिबरस लेयर होती है वो किससे बनी होती है दो रेडिएटिंग फाइबर से एक सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स होते हैं एक डीप सर्कुलर फाइबर्स होते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें ये फिब्रस इनर फिब्रस लेयर बता रही हूँ देखें फिबर फाइबर्स ऑफ डिम्बेनिक मेम्ब्रेन ठीक है ये देखें पहले मैं आपको ये देखा आउटर क्यूटिकल लेयर है जो कि स्किन से है ये देखिए ये मिडिल फिब्रस लेयर है और ये इनर म्यूकस लेयर है ठीक है और ये देखिए मैक्सिमम कौन ये देखिए अम्बू से आप समझ लें कि ये इनर सरफेस है क्योंकि कॉन्वेक्स तो इनर सरफेस थी ना और ये मैक्सिमम कॉन्वेक्स थी अंबू तो ये मतलब इनर सर्फेज है या आउटर सर्फेज है तो आउटर से मैंने आपको लेयर्स बता दी अब जो फिब्रस लेयर है उसको जो है यहाँ पर बताया गया है कि इसमें दो किस्म के फाइबर्स होते हैं एक ये इस तरह से जो आ रहे हैं ना ये रेडिएटिंग फाइबर्स है सुपरफिशियल रेडिंग फाइबर एक इस तरह से सर्कुलर फाइबर्स है ठीक है डीप